मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म और सितम का पारा। मुझे फिक्र अमनो अलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलूब हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद बांदीपुरा के स्कूल तमाम एहतियाती कोविड-19 के हिदायतों के साथ खुला। फिर से तालीमी इदारों ने अपनी उड़ान कामयाबी की तरफ मखसूस की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम शौकत अहमद है, मैं पेशे से एक उस्ताद हूँ। जैसे कि हम सभी इस बात से बाखबर हैं कि आज से 4-5 महीने पहले कोविड-19 के ने कुछ अलग ही रूप लिया था। आज हम घरों से बाहर निकल पाते हैं, लेकिन 4-5 महीने से पहले सारा कुछ निज़ाम जो दुनिया का था वो ठप होके रह चुका था। सभी शोभा जात जो हैं वो मुतासर हो चुके थे, तो तालीम के शोबे पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा। तो बच्चे बाहर नहीं निकल आ रहे थे घरों से और तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो फिर धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए। जूम क्लासेस के जरिए से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था या व्हाट्सएप के जरिए से। अब स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं और जो बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है वो हम इंशाल्लाह ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जमन में हम कम्युनिटी क्लासेस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैनिटाइजर भी लगा हुआ है और वाटर टैंक भी लगी हुई है, तो बच्चे सैनिटाइज अपने हाथों को करके क्लास में आते हैं और हम बच्चों को बाकायदा तौर पर पढ़ाते हैं। I'm Momina from class 10. As we all know that COVID-19 pandemic hit it hard whole world, and our country has no exceptions from this pandemic. This pandemic affected every aspect of life, including education sector. But our school management didn't let our education loss. They were given us online classes. They provide us teaching materials through WhatsApp and other mediums of information technology. In spite of online classes, community classes are running smoothly in our school by following SOPs. We are very thankful to our teachers who really did a grateful job for us. Jab hausla bana liya unche udaan ka, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।